सबसे पहले तो सभी का नमस्कार। उम्मीद है मेरी आवाज़ पीछे तक पहुंच रही होगी। ठीक है, मैं और तेज़ से बोलने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं NSES का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मुझे यह मंच प्रदान किया ताकि मैं अपने गृह जिले, मेरी जो जन्मभूमि, मेरी जो कर्मभूमि रही है, वहाँ के निवासियों और वहाँ के लोगों से बात कर सकूँ। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बाकी सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को भी अपना स्पीच देना है। तो मैं सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा UPSC एग्ज़ाम का। जीवन के 18 वर्ष मैंने इसी ज़िले में बिताए हैं, समस्तीपुर में। कक्षा पहली से लेके 12वीं तक, शायद यहाँ पर बहुत लोगों को पता होगा, केंद्रीय विद्यालय आर्यू पूसा है, वहीं से मैंने शिक्षा ग्रहण की है। और मुझे याद है बचपन में मेरा जो गांव था वहां से मेरे पापा मेरे और मेरे भाई को साइकिल के आगे वाले डंडे पे तौलिया लपेट के ले जाया करते थे। तो वो दिन भी देखा है जब स्लेट पर लिखने के लिए खल्ली मिलता था। उस टाइम चौक नहीं था, खल्ली होता था, और फिर उसको हम लोग जड़ी बूटी से मिटाते थे। हमने वो टाइम भी देखा है जब हमने वो टाइम भी देखा है जब आज तो गली गली में मोमोज के दुकान खुल गए हैं। मैंने 10वीं 11वीं तक मोमोज का नाम नहीं सुना था कि मोमोज, सैंडविच और पिज़्ज़ा जैसी चीज़ें क्या होती है। यह सारी चीज़ें मुझे दिल्ली जाने के बाद पता चली। तो सबसे बड़ा मेरा उपलब्धि यह था कि मैंने गांव से पढ़ते हुए 5 किलोमीटर डेली अप डाउन साइकिल से धूप में करते हुए यहाँ से 12वीं की शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने यह उपलब्धि हासिल की है। और इसके कुछ मूल पॉइंट्स रहे हैं जो शुभम जी ने भी बताया और जो प्रवीण जी ने भी बताया और जो इस ज़िंदगी के हर पहलू में लागू होता है। आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं या इसमें से बहुत सारे मुझे स्कूल और कॉलेज के छात्र लग रहे हैं, तो उन सब के लिए भी कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं बताऊंगा। पर उससे पहले आप लोग का मनोरंजन कह सकता हूँ या उत्साह बढ़ाने के लिए मैं चंद लाइनें पेश करूँगा। कृपया ताली न बजाए, लास्ट में बजाने के लिए एनर्जी बचा लें। चंद लाइनें हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो ये चंद लाइनें से उम्मीद है कि आप सभी का ध्यान अब मेरे ओर आ गया है। तो अब अपनी बात मैं शुरू करूंगा। सबसे पहली चीज जो एक IAS बनने के लिए जरूरी होता है, जो प्रवीण जी ने भी बताया, वह है अच्छा इंसान बनना। अगर आप अच्छा इंसान नहीं है, आपके जिंदगी में डिसिप्लिन और अनुशासन नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप आम आदमी बन के रह जाएंगे। तो सबसे जरूरी है कि जिंदगी के हर पहलू में आप कैसे किसी से बात कर रहे हैं, आप कैसे किसी से पेश आ रहे हैं, आप कैसे अपनी आम जिंदगी को जी रहे हैं, आप कैसे अपने मम्मी पापा से बात कर रहे हैं, आप कैसे अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, वह सारी चीज़ें UPSC के एग्जाम में रिफ्लेक्ट होंगी। और एक और चीज़ मैं कहूँगा कि अगर आपको IAS बनना है तो एक दिन शायद DM साहब की कुर्सी पर बैठना होगा, तो एक बार यहाँ भी कुर्सी पर बैठने का आनंद ले लीजिए। जो लोग यहाँ पर खड़े हैं कृपया कुर्सी पर बैठ जाएं ताकि पीछे वालों को दिक्कत ना हो, एक नम्र निवेदन है। ठीक है। और कृपया शांति बनाए रखें। मैं यही एक गुजारिश करूंगा कि मैंने पहले ही बात डिसिप्लिन की थी कि अगर आपके ज़िंदगी में अनुशासन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो अनुशासन आपको लाना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने सबसे पहले शुरुआती जीवन की बात करूंगा कि मेरा क्या जीवन था। मेरे दादाजी आज के टाइम में 95 ईयर्स के हैं, तो उन्होंने मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाया। जब वो पढ़ते थे, जब हम लोग बच्चे थे, क्लास 1-2 बचपन यही मेरा गांव में गुजरा है, तो हम लोग बोरा लेके जाते थे दादाजी के पास पढ़ने, और वहाँ पे अगर होमवर्क नहीं कंप्लीट होता था तो पिटाई भी लगता था, होमवर्क कंप्लीट होता था तो गढ़िया चौक से समोसा लिट्टी आता था। तो हर चीज़ वो मुझे याद है। मुझे यह भी याद है कि बचपन में जब मैं गांव में रहा करता था तो दुर्गा पूजा के टाइम हम लोग अपने भाई बहन के साथ मिलकर रावण तैयार करते थे और खेत में उसको जला देते थे पटाखे लगा कर। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी गतिविधियां मैंने बचपन में की है, लेकिन एक चीज़ जो मैंने इन सब से सीखी है वह है
कि जिंदगी में आपको अगर कुछ करना है तो उसके प्रति 100% देना है। बाद में यह नहीं सोचना है कि काश मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, वो जो लाइन है कि अगर मैं ये कर लेता तो शायद मैं सफल हो जाता, वो नहीं आना चाहिए आपके जहन में। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मैं जो हूँ आज के UPSC के एग्ज़ाम के बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करूँगा, जो है समय का मैनेजमेंट कैसे करें, टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज में लोग हैं, उनसे मेरी एक ही गुजारिश है, कृपया जल्दीबाजी ना करें। ज़िंदगी में कभी भी आप जल्दीबाजी करिएगा तो आप शिखर तक नहीं पहुँच पाइएगा। जो भी कॉलेज में हैं, जो भी छात्र और छात्राएँ कॉलेज में हैं, उनके लिए सिर्फ एक एडवाइस है कि आप लोग अपने कॉलेज डेज का अच्छे से उपयोग करें। जो भी आपके कक्षा में पढ़ाई हो रहा है, जो भी आपके सिलेबस में है, उसमें अच्छे से पढ़ें। अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो रहा है, स्पीच हो रहा है, डिबेट हो रहा है, कंपटीशन, सब में पार्टिसिपेट करें। मैं जब स्कूल में था कक्षा 1 से लेकर 12 तक केंद्रीय विद्यालय में, तो नाच गान तो आता नहीं है, उसके अलावा जितनी एक्टिविटीज़ होता था सब में मैं पार्टिसिपेट करता था। यूनिवर्सिटी में परेड का कंपटीशन हो या फिर डिबेट का कंपटीशन हो या फिर स्पोर्ट्स में टेबल टेनिस या खो खो और कबड्डी खेलना हो, सब में मैं पार्टिसिपेट करता था। तो जो भी स्कूल में है, जो भी कॉलेज में है, हर उन कॉम्पिटिशन्स में आप पार्टिसिपेट करें, और उसी से आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, उसी से आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो आएगा, उसी से आप अलग अलग लोगों से मिलेंगे। और जब आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो उससे आपके अंदर आत्मविश्वास आता है, और वो आत्मविश्वास इस परीक्षा के लिए ही नहीं, ज़िंदगी के परीक्षा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आप अगर बैंक की तैयारी कर रहे हैं, SSC की कर रहे हैं, RBI कोई भी चीज़ का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अनुशासन और वो आत्मविश्वास वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो UPSC के लिए मैं 2-3 चीज़ों के बारे में बात करूँगा, जो एक टाइम मैनेजमेंट का जो कॉम्पोनेंट है। मैंने 2017 में यहाँ से 12वीं करने के बाद, मैं यहाँ पर स्कूल टॉपर था, 91% था, तो मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन मिल गया था। और बहुत बहुत मैं भाग्यशाली भी हूँ कि एक सिंपल ग्रेजुएट होने के बावजूद 10वां रैंक मैं हासिल कर पाया। तो उसके पीछे 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आज आप सबसे शेयर करूँगा। पहला तो ये है कि आप अपने समय की कीमत को पहचानें। आपका एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा वापस लौट के नहीं आने वाला है। आप अगर एक सेकंड भी व्यर्थ करते हैं तो बाद में वो एक सेकंड आपका एक साल बर्बाद कर सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि आप कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉलेज का हो या SSC, बैंक, IAS, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको आपको कैसे अप्रोच करना है, कैसे एक साल डेढ़ साल तक वो प्लान वर्क करेगा, ये आप एक कागज़ पे लिख लें। और ऐसा कभी नहीं होता है कि आप एक कागज़ पे जो प्लान लिख लिए वो पूरे साल वर्क कर गया। मेरा तो होता था कि रात में रूटीन बनता था, सुबह सुबह 5 बजे उठने का टारगेट रहता था, 9 बजे नींद टूटती थी, तो फिर वो रूटीन फट के डस्टबिन में जाता था। तो हमेशा एक रियलिस्टिक टारगेट बनाएं, ऐसा टारगेट ना बनाएं जो आपसे अचीव ही ना हो। तो रियलिस्टिक टारगेट बनाएं और उस पर स्टिक हो। आपको 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे जितना देना पड़े वो मायने नहीं रखता। आपका वो जो टारगेट है, वो जो टॉपिक है, वो जो आपने डिसाइड किया है कि आज मुझे ये चीज़ पढ़ना है, वो ख़त्म होना चाहिए। मैंने कभी भी अपने ज़िंदगी में, झूठ नहीं बोलूँगा, कभी भी मैंने अपने ज़िंदगी में 14 घंटे नहीं पढ़ा। मैंने अपने यहाँ 12th में भी हार्डली 8 घंटे में पढ़ता था, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि वो 8 घंटे आपको डेली पढ़ना है। ऐसा ना हो कि आज एकदम 8 घंटे पढ़ लिए, कल भैया का शादी है, पूरे दिन मौज काट लिए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको डेली पढ़ना है, 7 से 8 घंटे 9 घंटे अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो दुनिया का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो आपसे क्लियर ना हो, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और उसके बाद मैं यही कहूँगा कि अगर आप डेली प्री और मेंस में अगर डिवाइड करें तो शुरू में मैं यह कहूँगा कि प्रीलिम्स को ज़्यादा टाइम दीजिए, जो प्रीलिम्स के स्टैंडर्ड किताब सबको पता होता है। अगर नहीं पता है तो जब मैंने तैयारी शुरू की थी, मैंने यूट्यूब पर हर टॉपर के स्ट्रेटजी वीडियो को देखा था कि उन्होंने कैसे इस एग्ज़ाम को अप्रोच किया, और उसके बाद मैंने सारे वीडियोज़ में से कुछ की पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए और फिर मैंने अपना स्ट्रेटजी बनाया। तो वही स्ट्रेटजी आप लोग को भी अपनाना है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और फिर उस स्ट्रेटजी पर अमल करना है। 5 से 6 घंटा शुरू में आप प्रीलिम्स को दें, मेंस को थोड़ा कम टाइम दें। एक बार आपके प्रीलिम्स के बुक का अच्छे से रिवीजन हो गया, फिर मेंस को ज़्यादा टाइम दें। मैं यह कहूँगा कि लक्ष्मीकांत जैसी पॉलिटी किताबों का मैंने कम से कम 15 बार रिवीजन किया था। स्पेक्ट्रम जो हिस्ट्री की किताब होती है उसको मैंने कम से कम 10 से 12 बार पढ़ा था, और ऐसी कोई किताब नहीं होगी जो मैंने 10 बार ना पढ़ा हो। तो मेरा पढ़ने का एक ही फॉर्मूला था कि तब तक पढ़ो जब तक किताब ना बोल दे कि छोड़ दे मुझे।
इस तरीके से आप किताब तो कभी बोलेगा ना भाई, कि बोलेगा तो नहीं कि छोड़ दो मुझे, तो पढ़ते रहो। बस सिंपल सा फॉर्मूला है। कोई यहाँ पे, मैंने 15 बार लक्ष्मीकांत पढ़ा है लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि मुझे सारी चीज़ें उसकी याद नहीं है। मैंने 12 बार स्पेक्ट्रम पढ़ा है पर मैं यह कह सकता हूँ कि मुझे स्पेक्ट्रम का हर चीज़ याद नहीं है। तो कोई भी यहाँ महाविद्वानी नहीं हो सकता है, बार बार रिविजन करके ही आएगा। अब बहुत एस्पिरेंट्स मेरे सामने यह सवाल लेके आते हैं कि सर डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, पढ़ने बैठते हैं तो डिस्ट्रैक्शन होता है। अब मैं जब पढ़ता था अपने स्कूल टाइम में तो पढ़ने के नीचे मोबाइल रखता था, टून से बसता था, देख लेते थे क्या नोटिफिकेशन आया। तो वो चीज़ नहीं करना है। UPSC या बैंक, SSC कोई भी एग्ज़ाम आप कर रहे हैं तो मोबाइल को अपने से दूर रखें। सोशल मीडिया उस टाइम में डीएक्टिवेट कर दे। जब मैंने अपनी तैयारी की थी मेरा भी सोशल मीडिया डीएक्टिवेटेड था, लेकिन आज के टाइम में कोई भी टॉपर YouTube के वीडियो से IAS नहीं बना है, वो किताबों को पढ़ के IAS बना है। तो जब तक आप किताबों को नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप किताबों को 10-15 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक बहुत मुश्किल है ये सब चीज़ होना। और मैं यह कहूँगा कि अगर आप 1.5 साल सही से मेहनत कर लेते हैं, टाइम एकदम डिसाइड करके कि कौन से महीने में, कौन से वीक में, कौन से दिन में क्या मुझे पढ़ना है, तो आप ज़रूर इस लक्ष्य को पा सकेंगे। और मेरी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ स्कूल में भी हैं, कुछ कॉलेज में भी हैं, तो उनके लिए बस मेरा एक ही वर्ड रहेगा कि आप अपने आखिरी वर्ष में तैयारी शुरू करें एकदम सीरियस वाला। कि मतलब मैं जब अपने कॉलेज में था तो फर्स्ट सेकेंड ईयर मैंने कॉलेज में जितनी एक्टिविटीज़ होती थी, जितना कॉम्पिटिशन था, मैंने इंटर्नशिप्स किया, मैंने अलग अलग सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट किया, मैंने वहाँ पर लीडरशिप पोजिशन लिया। लेकिन उसके बाद तृतीय वर्ष से, मतलब फाइनल ईयर से, एकदम रूम में बंद होकर 8 घंटे की पढ़ाई। अब रूम में बंद होने का यह भी मतलब नहीं है कि बाहर नहीं निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, परंतु आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा खुद को ताकि आप पढ़ाई को ज़्यादा टाइम दे सके। तो यही मेरा जो था सो था। बाकी तो और टॉपर्स हैं बताने के लिए, बस मैं दुष्यंत कुमार की एक छोटी सी कविता है उसी से मैं समाप्त करूँगा इसको, कि ये मैंने खुद नहीं लिखी, दुष्यंत कुमार जी बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने लिखा है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी ये कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। और इसके लास्ट के 2 लाइन हैं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो इन्हीं पंक्तियों से मैं समाप्त करूंगा। और मैं बहुत खुद को भाग्यशाली समझूंगा कि इस 4 जितने भी बच्चे हैं उसमें से अगर 1-2 भी IAS निकल जाएगा तो मेरा यहाँ आने का मकसद, NACS और संतोष सर जैसे लोगों का आने का मकसद सफल हो जाएगा। और मैं एंड में यही करूंगा कि जो करें ईमानदारी से करें, खुद को चीट ना करें, जीवन में डिसिप्लिन लाएं, आप कैसे लोगों से डील करते हैं यह बहुत बड़ा फैक्टर है, और एक अच्छा इंसान बनने पर फोकस करें। IAS बैंक ये सब तो रास्ते में आते जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी मोटिवेटिंग रहा सत्यम ने ये स्पीच।